अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद असद खान है और आप देख रहे हैं AS टेक्निकल चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जीमेल का अकाउंट कैसे बनाया जाता है या प्ले स्टोर की आईडी कैसे बनाई जाती। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलें बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। मैंने पहले ही अपना ब्राउज़र ओपन करके रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप सर्च में जाके लिखेंगे जीमेल, ठीक है, और इंटर कर देंगे तो ये आपके पास एक न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट एन न्यू अकाउंट। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, आपके पास एक पेज ओपन आके आ जाएगा जिसमें आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आप फिल करेंगे और अपनी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या है आपका? मेरा नाम असद है। तो ये पूछ रहा है लास्ट नेम। लास्ट नेम मेरा क्या है? खान है, ठीक है दोस्तों। अब ये पूछ रहा है यूज़र नेम। यूज़र नेम मतलब ये वो पूछ रहा है कि आपकी आई डी का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ असद खान, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे पासवर्ड की बारी। पासवर्ड आपको कम से कम 8 वर्ड का लिखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे आप लिख सकते हैं। कोशिश किया करें कि 12 से 16 वर्ड के दरमियान पासवर्ड रखें ताकि आपकी आईडी हैक होने से बची रहे, क्योंकि शॉर्ट पासवर्ड वाली आईडिया जल्दी हैक हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई पासवर्ड रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये मैंने पासवर्ड रिकन्फर्म कर दिया। अब यहाँ पर आके मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि ये दैट यूज़र इज़ टेकन ट्राई एन अदर। ये यूज़र पहले से बना हुआ तो कोई और यूज़र नेम सर्च करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ असद खान, कोई नंबर लिख लेता हूँ 1234। अब नेक्स्ट करके ट्राई करते हैं, देखते हैं। नहीं, ये भी बना हुआ है तो हम इसमें थोड़ा और चेंजिंग करेंगे। यहाँ लिख देंगे पाक 123। तो ये भी बना हुआ है तो हम कोई और ट्राई करते हैं, जैसे कि 158, ठीक है दोस्तों। असद खान पाक 158। तो ये हमारा अकाउंट बन चुका है। तो अभी ये हमसे पूछेगा वेरिफिकेशन नंबर। आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिसमें आपको एक मैसेज आएगा कोड, वो आप इसमें एंटर करके जीमेल अकाउंट बनाएंगे। अब आप जिस मुल्क से होंगे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप अफगानिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ अपना मोबाइल नंबर डायल कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं अपना नंबर डायल करता हूँ और फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब ये कुछ सेकंड में मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास मैसेज आ चुका है, आपने वॉइस सुन ली होगी। तो अब यहाँ हम कोड डायल करेंगे। कोड डायल करने के बाद यहाँ हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास अब कुछ और ऑप्शन देगा कि रिकवर ईमेल आईडी, मतलब कि अगर आपका नंबर नहीं लग रहा हो या आपकी आईडी में कोई इशू आ गया, आप पासवर्ड भूल गए हो, तो रिकवर के लिए कोई आईडी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी आईडी डाल देता हूँ, मेरी अपनी दूसरी आईडी है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये आपसे पूछा डेट ऑफ बर्थ। अब डेट क्या है मेरा? 24। मंथ कौन सा है मेरा? मार्च का मंथ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्च, और ईयर मेरा है 1995, ठीक है। जेंडर पूछ रहा है, जेंडर आपका क्या है, मेल है, फीमेल है, जो भी है वो लिखेंगे। मैं मेल कर दूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें पूछ रहा है कि कंफर्म नंबर हो गया, एवरीथिंग क्लियर, आई एम इन करके। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना फिर आई एग्री पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जीमेल की लोडिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास जीमेल अकाउंट बनके आ चुका है, वेलकम जीमेल अकाउंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं आपको इसमें भी कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है दोस्तों। ये प्राइमरी है, आपके यहाँ पे सारे इनबॉक्स आएंगे, यानी कि जो भी मेल्स वगैरह होगी वो यहाँ आएगी। सोशल मतलब आपने फेसबुक से या यूट्यूब से या ट्विटर, फेसबुक कहीं भी लिंक किया होगा सोशल प्लेटफॉर्म से, तो वो यहाँ आएंगे सारे मैसेजेस, आपको मेल्स यहाँ पे आएगी। और प्रमोट्स, जैसे कंपनी वगैरह प्रमोशन करवाती है अपनी चीज़ों का, तो उसकी जो मेल्स होंगी वो यहाँ आएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद स्टार्टेड है, अगर आपने कोई मेल आई भी हो, आप फेवरेट करना चाह रहे हैं यार कि मेरी ये खास मेल है, तो आप उसको स्टार का बटन दबा के क्लिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये ऑप्शन है, सेंड का ऑप्शन है, ड्राफ्ट का ऑप्शन है। मोर पे क्लिक करेंगे तो मोर में जो है ना आपको और चीज़ें मिल जाएंगी ये सारी, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा स्टार्ट मीटिंग, मीटिंग भी वो कर सकते हैं। बाद तो जो कंपनियाँ होती है वो मीटिंग करती है वीडियो कॉल करके और दीगर चीज़ें करके, ठीक है दोस्तों। अब आपको मेल करनी है तो आप यहाँ कंपस पर क्लिक करेंगे। कंपस पर क्लिक करने के बाद जिसको मेल करनी है सब, तो वो लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे, जैसे कि मैं कुछ भी लिख देता हूँ।
और यहाँ पे जो है ना लिख दिया, आप फाइल अटैच करना चाहते हैं तो ये अटैच फाइल का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। आप यहाँ से ओपन करके कंप्यूटर से कोई भी फाइल क्लिक करके यहाँ सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, मैं सेंड कर देंगे। तो दोस्तों अभी मैं इसको काट देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।